नमस्कार, ट्रेंडिंग बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं चंद्रा। जब कहर की दस्तक आपके दरवाजे में पड़ती है तो कसम से पूरा शरीर सिहर जाता है, और उस वक्त अगर कोई आपका हाथ पकड़े, वो भी बिना जान पहचान के निस्वार्थ भाव से आपका हाथ पकड़ कर कहता है, घबराओ मत, मैं हूं ना, तब मृत्यु सैया पे लेटा हुआ इंसान भी खुद को बाहुबली समझने लगता है और उस इंसान को कहते हैं मसीहा। लोग उन्हें मसीहा समझने लगते हैं, और जब मसीहा को कुछ होता है तो आपके दिल की तरफ बढ़ जाती है, ऐसा लगता है मानो फिर से आप उसी दलदल में फंसने वाले हैं। फिलहाल भारत में जैसे सोनू सूद एक मसीहा के रूप में उभरे हैं, गरीबों का मसीहा उन्हें कहा जा रहा है, ठीक वैसे ही बिहार में जब पूरा बिहार अपने घर में दुबक कर बैठ जाता है, तब अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे एक मसीहा निकलता है जिसे पप्पू यादव कहते हैं। फिलहाल आप हैशटैग पप्पू यादव सोशल मीडिया पे खूब वायरल होते हुए देख रहे होंगे, उसका कारण क्या है वो भी आपको बखूबी पता है, लेकिन आज हम बात करेंगे पप्पू यादव की नहीं, उससे पहले बातें करेंगे नेहा सिंह राठौर की। बिहार की बेटी नेहा सिंह राठौर, जिनके हाल ही में एक उनकी माँ का तबीयत खराब हुआ था, कोरोना पॉजिटिव हुई थी और वो सोशल मीडिया पे मदद मांग रहे थे। फिलहाल उन्होंने एक और वीडियो डाला है, वो क्या है और वो वीडियो क्यों बवाल मचा रहा है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सुरीली आवाज़ और व्यंगात्मक शब्दों के लिए नेहा सिंह राठौर हमेशा सरकार की लचर व्यवस्था के ऊपर गाने गाती रहती हैं, जिससे जनता खूब पसंद करती है, लेकिन इस बार नेहा सिंह राठौर ने अपने सीधी शब्दों में कुछ ऐसा कह दिया कि लोगों को ज़्यादा ही पसंद आ गया है। नेहा की फ़ैन फॉलोइंग कुछ ही समय में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनके फैंस उनके हर एक गाने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। चाहे नेहा सिंह राठौर पॉलिटिकल मुद्दे पर कुछ गाना गाएं या उनके जीवन से जुड़ी कोई बात हो, फैंस को उनके बारे में हर चीज़ पसंद आती है। नेहा की माँ हाल ही में कोरोना पॉजिटिव हुई थी, जिसके बाद नेहा सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर अपनी माँ के लिए सरकार से मदद की गुहार कर रही थी। ट्विटर संग्राम, फेसबुक, हर जगह कई बड़ी हस्तियों ने उनका वीडियो शेयर भी किया था। इसके बाद नेहा सिंह राठौर फिर सामने आई हैं। इस बार उन्होंने ना तो अपनी माँ के बारे में बोला है, ना ही अपने शादी के बारे में। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे साफ शब्दों में पप्पू यादव के बारे में बोला है। हैशटैग रिलीज पप्पू यादव के ऊपर नेहा सिंह राठौर का सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में नेहा सिंह राठौर पूरे कड़क आवाज में बिना सुरीली अंदाज के पूरे सीधे शब्दों में उन्होंने क्या कहा है, आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं, देखिए उनका वीडियो। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार में पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव असल मायनों में जननेता है। हर तरफ की आपदा में जब देश के तमाम प्रतिष्ठित और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग अपने घरों को बचाने की जुगत में लगे रहते हैं, ये व्यक्ति असल जननायक की तरह देश की आम जनता के बीच न सिर्फ मौजूद रहता है बल्कि उनके कष्टों को कम करने में भी लगा रहता है। इस जननायक का उसके कर्तव्य का निर्वहन करता देख बिहार सरकार का घबरा जाना मेरी बात की पुष्टि करता है। मैं बिहार के पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध करती हूँ। जनता के हकों के लिए लड़ाई लड़ने वाले की जगह संसद है, जेल नहीं। ये बात तो सभी मानेंगे कि पप्पू यादव वाकई में जन नेता है। आपको याद होगा पटना में जब जल जमाव की स्थिति भयावह हो गई थी और सुशासन भी अपने घर के अंदर डूब रहा था, तब पप्पू यादव इकलौते थे जो कंधे पे अनाज लिए गर्दन भर पानी में डूबे लोगों की सेवा में हर संभव प्रयासरत थे। ठीक उसी प्रकार जब पूरा प्रदेश घर के अंदर बंद है और खोखले सुव्यवस्था अपने अंदर की हवा निकाल रही है, तब पप्पू यादव बिहार के जरूरतमंदों के मसीहा के रूप में बाहर निकले और यथासंभव उनकी परेशानियों को बांटने की कोशिश में लगे थे। अब उनके द्वारा सुशासन की लचर व्यवस्था को दिखाना, एम्बुलेंस की माया फकीरी को दिखाना या 32 साल पहले के केस में गिरफ्तारी का होना, ये सब बातें तो रिसर्च और
चर्चा का मुद्दा है, चर्चा का विषय है, इन पे हम चर्चा भी करेंगे और इन पे आगे बातें भी करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर फकीर भिखारी नहीं होता, इसी कारण हर इंसान के आत्मसम्मान का सम्मान करना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और जितना हो सके सपोर्ट करें हमें। धन्यवाद।